हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज सिस्टम के अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जब वेंडर स्मॉल वैल्यू के गुड्स को सेल करता है हायर परचेज के ऊपर, सो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए और उन गुड्स की अकाउंटिंग करने के लिए। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम उसी का एक अल्टरनेट मेथड है जिसके बारे में हम आज जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं हम इसके अंदर पांच अकाउंट बनाते हैं, पांच टाइप के लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले हायर परचेज डेटर अकाउंट, देन हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट। हर एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर क्या आता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, इसी का अल्टरनेटिव होता है। सो इन सभी अकाउंट्स के अंदर वही सारी आइटम्स आएंगी, वही सारी फिगर्स आएंगी जो बेसिकली आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डाल के और फिर प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हो। इसीलिए इस मेथड को सीखने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट कौन सी फिगर्स हैं, कौन सी आइटम्स हैं जो आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डालते हो। सो छह टाइप की आपकी बेसिक आइटम्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी होंगी। फर्स्ट जो है आपकी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, पहली है आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग। इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग और सेकेंड है आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड। सो इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी आप हायर परचेज के ऊपर गुड्स को सेल करते हैं जो भी उसका हायर परचेज प्राइस होता है उसकी पेमेंट का तरीका ये होता है कि कस्टमर आपको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वो पैसा लौटाता है। इंस्टॉलमेंट्स आपकी बंधी हुई होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने 12 इंस्टॉलमेंट बांधी हैं 1,000 रुपये की हर महीने, और जनवरी में आपके अकाउंट स्टार्ट होते हैं और दिसंबर में आपके अकाउंट बंद होते हैं, और मान लीजिए उनको पे करने की डेट है एक तारीख, तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, इस तरीके से। जब उस इंस्टॉलमेंट को पे करने की डेट आती है, उस जिसको हम ड्यू डेट बोलते हैं, उस डेट के ऊपर वो इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है और तभी कस्टमर आपको उसको पे करता है। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होने का वो मतलब होता है। करंट ईयर के अंदर जिस ईयर का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके अंदर इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग का अगर आपको बैलेंस दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि ये वो इंस्टॉलमेंट है जो आपकी लास्ट ईयर ड्यू हुई थी लेकिन आपको किसी वजह से रिसीव नहीं हुई है, इसीलिए उस इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड लास्ट ईयर में जो बैलेंस था वो इस साल आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग बना है। इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए आप वेंडर हो और आपने 13,000 रुपये के गुड्स जो है वो सेल करे हैं हायर परचेज के ऊपर, और आपने इसकी 1,000 रुपये की 13 जो है इंस्टॉलमेंट वो बांधी है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके अकाउंट स्टार्ट होते हैं 1 जनवरी से, तो आपने 1 जनवरी को इस तरीके से, ठीक है, और 13 आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, यानी दिसंबर तक 12 इंस्टॉलमेंट और नेक्स्ट ईयर में आपकी जनवरी को एक और इंस्टॉलमेंट है जो देनी पड़ेगी आपके कस्टमर को। मान लीजिए नवंबर तक जो है आपको इंस्टॉलमेंट रिसीव हो चुकी है अब तक की सारी, दिसंबर आ गया है और मान लीजिए 31 दिसंबर है जब आप अपने जो अकाउंट्स हैं उनको आप क्लोज कर रहे हो, और मान लीजिए 2010 का ईयर है, ठीक है, अकाउंट्स आप क्लोज कर रहे हो लेकिन दिसंबर की इंस्टॉलमेंट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। दिसंबर आ चुका है, डेट आ चुकी है, यानी इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हो चुकी है बट वो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, यानी ड्यू नॉट रिसीव्ड। साल के एंड में इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हुई है, इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इंस्टॉलमेंट है इसको हम जो पिछले साल, अब मान लीजिए 2011 आ जाता है आपका, ठीक है, 2011 के अंदर क्या होगा, मान लीजिए जनवरी आ गया आपका 2011, सो 2011 के अंदर ये जो बाकी की 1,000 रुपये की
पहली बात तो यहाँ पे ये जो इंस्टॉलमेंट लास्ट ईयर आपकी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड थी, वो इस साल आके आपकी ओपनिंग में इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग बन जाएगी। पहली बात तो ये, क्योंकि आपको रिसीव नहीं हुई थी उस टाइम पे। दूसरी बात, ये 12 इंस्टॉलमेंट है, जो 13वीं इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी नॉट ड्यू। 31 दिसंबर वाले महीने में जब आप अपने अकाउंट बंद कर रहे हो, उस टाइम पे जो 1000 रुपये की इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर आपकी ड्यू होने वाली है, वो अभी तक आपकी ड्यू नहीं हुई है, वो इंस्टॉलमेंट इस साल अकाउंट क्लोज करते समय आपकी इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू रहेगी। वो इंस्टॉलमेंट जो इस करंट ईयर की सेल से तो रिलेटेड है लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुई है, मतलब कस्टमर के ऊपर अभी तक उसको पे करने की लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है। ये चीज़ें क्लियर है। तो इंस्टॉलमेंट के बारे में आप ये तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे। इंस्टॉलमेंट तीन टाइप की होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड रिसीव्ड, सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। सो ये जो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी आपकी लास्ट ईयर, वो इस साल क्लोजिंग में थी, वो इस साल आके आपकी एट बिगिनिंग में बन जाएगी। इसी तरीके से करंट ईयर के लास्ट में भी कोई इंस्टॉलमेंट ऐसी हो सकती है जो आपकी ड्यू हुई है लेकिन वो आपकी रिसीव नहीं हुई है, तो वो आ जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड। थर्ड जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, ठीक है। इसको लिखने का, इसको एक और नाम से हम लिखते हैं, स्टॉक आउट विद कस्टमर। वो स्टॉक जो कस्टमर के पास है लेकिन जिसके अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू नहीं हुई है। चौथी जो होती है वो होती है, और ये होता है एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग का मतलब है कि इस साल की शुरुआत में आपके पास कोई स्टॉक आउट विद कस्टमर है, यानी ये लास्ट ईयर की कोई इंस्टॉलमेंट है, लास्ट ईयर आपने कोई गुड सेल करे थे उसकी कोई इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू नहीं हुई थी लास्ट ईयर, तो अब वो आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया। यानी मैं इस 1000 रुपये वाली इंस्टॉलमेंट की बात कर रही हूँ। 2010 में आपने मान लीजिए 13000 रुपये के गुड सेल करे थे, जिसमें से दिसंबर को जब आपने अकाउंट बंद करे, 1000 रुपये की आपकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो अभी तक ड्यू नहीं हुई थी। 2011 आया, ठीक है, तो 2011 की बिगिनिंग में ये जो इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू थी, जो लास्ट ईयर से रिलेटेड थी, वो आपके लिए बन जाएगी इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू एट द बिगिनिंग। फोर्थ आपकी होती है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू एट द एंड, ठीक है, या स्टॉक आउट विद कस्टमर एट द एंड। इसको लिखते जब हम है स्टॉक आउट विद कस्टमर एट द एंड, तो इसका भी यही मतलब होता है, मतलब इस साल करंट ईयर में आपने कुछ गुड सेल करे हैं जिसके अगेंस्ट आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो अभी ड्यू नहीं हुई है एंड तक, वो नेक्स्ट ईयर में जाके ड्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारा इस करंट ईयर का वो है। फिर नेक्स्ट आता है आपका गुड सोल्ड टू कस्टमर, फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, जो हमने इस साल करंट ईयर में गुड सेल करे हैं कस्टमर को, यहां पे वो आते हैं। अब गुड सोल्ड टू कस्टमर के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगी कि जब आप कस्टमर को गुड सेल करते हैं ना, देखिए अगर आप हायर परचेज सिस्टम के अंदर गुड सेल कर रहे हैं कस्टमर को, तो हायर परचेज, ये जो भी गुड्स आपने सेल करे हैं, मान लीजिए आप वेंडर हो, आपने गुड्स को सेल करा, ठीक है, हायर परचेज प्राइस के ऊपर, इसको पेमेंट का क्या तरीका होता है, आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिलती है, राइट। और ये इंस्टॉलमेंट दो तरीके की हो सकती है, एक तो इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हो गई हो इसी साल, एक इंस्टॉलमेंट जो इस साल नहीं ड्यू हुई है वो नेक्स्ट ईयर जाके ड्यू होगी। बट ये जो है आपका सेल की वैल्यू, ये इन दोनों का टोटल होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें देखिए टोटल सेल आपने कितने रुपए की करी थी, 13000 की। इस 13000 में से 12000 रुपए की तो इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हो गई थी दिसंबर तक की। जो 1000 वाली है वो अभी तक आपकी ड्यू नहीं हुई है, नॉट ड्यू थी। दोनों का टोटल कितना हो जाता है, 13000, ठीक है। तो जो भी आपने गुड सेल करे हैं उसकी इंस्टॉलमेंट का दो ही वो हो सकते हैं, या तो वो ड्यू हो गई या वो नॉट ड्यू हो गई, और दोनों का टोटल सेल वैल्यू के बराबर होगा। तो ये जो गुड सोल्ड टू कस्टमर है,
इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट ऐसी है जो ड्यू हो गई है और कुछ इंस्टॉलमेंट ऐसी है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है। सो जब आप गुड्स सोल्ड टू कस्टमर कैलकुलेट करोगे उस टाइम पे आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल जो गुड्स आपके करंट ईयर से रिलेटेड हैं जो आपने बेचे हैं वो उसकी वैल्यू आपकी निकलेगी जब आप ये देखोगे कि करंट ईयर की कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है। करंट ईयर की याद रखिएगा, करंट ईयर से रिलेटेड और करंट ईयर से रिलेटेड कितनी इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू नहीं हुई है, इन दोनों का टोटल जो आपका होगा वही आपकी होगी गुड्स सोल्ड टू कस्टमर। अभी जो सिक्स्थ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, हर एक पर्टिकुलर ईयर में कस्टमर के थ्रू के द्वारा आपको कितना कैश रिसीव हो रहा है ये वो चीज़ है। ये कैश लास्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी जो उस टाइम पे नहीं हुई थी लेकिन इस साल पे हुई होगी, ये वो अमाउंट भी इसी में शामिल है। और इस साल जो इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हो रही हैं जिनकी आपको पेमेंट रिसीव होती जा रही है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। सो ये छः आपकी बेसिकली आइटम्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के अंदर ही। आप हर एक पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू इन्हीं में से कोई ना कोई जो है आइटम आपको कैलकुलेट करोगे। जैसे हायर परचेज डेटर अकाउंट आपका सबसे पहला अकाउंट है। हायर परचेज डेटर अकाउंट में क्या होता है, डेटर वो होते हैं जो पर्सन आपको पैसा देते हैं। आप हायर परचेज पे जब गुड्स सेल करते हो कस्टमर को तो वो आपका डेटर बन जाता है। सो इसमें हम डेटर का ओपनिंग बैलेंस और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं। डेटर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड है। इन्हें हम एज अ डेटर कंसिडर करते हैं कि इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी मतलब सामने वाला आपका डेटर है और इंस्टॉलमेंट आपको अगर उनसे पैसा मिल गया है जो भी आपका कैश रिसीव्ड होता है उससे आपके डेटर कम हो जाते हैं तो वो हम इसके क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। तो जब आप हायर परचेज का डेटर अकाउंट बनाते हो डेबिट साइड पे आप इसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, ओपनिंग बैलेंस आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग होता है, इसका क्लोजिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड होता है क्योंकि इस साल के एंड में इतनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही थी लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, यानी ये पर्सन आपका डेटर है, जितने की भी इंस्टॉलमेंट थी वो आपके डेटर है। जो पैसा आपको मिल गया उससे डेटर का बैलेंस कम हो जाता है, यहाँ पे हम उसको डाल देते हैं। इससे जो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलती है वो आपकी हायर परचेज स्टॉक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होती है। ये जो इंस्टॉलमेंट होती है ये बेसिकली ये होती है कि आपके इस साल जिस साल के हम अकाउंट्स बना रहे हैं उस साल से रिलेटेड कितनी इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू हुई है। ये वो इंस्टॉलमेंट थी जो लास्ट ईयर ड्यू हुई थी, ये टोटल वो पैसा है, ये तो वो है जो क्लोजिंग में आपका ड्यू हुआ है, ये वो पैसा है जो आपको रिसीव हुआ है। रिसीव हुआ है तो इंस्टॉलमेंट ड्यू भी हुई होगी, ठीक है। तो ये आपका टोटल ड्यू अमाउंट है लेकिन इसमें से कुछ पैसा जो आपको रिसीव हुआ है वो ये पिछले साल का भी है। तो करंट ईयर से रिलेटेड कितनी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है जो आपकी ड्यू हुई होगी, ऑब्वियसली जो क्लोजिंग बैलेंस बच गया वो जितना रिसीव हुआ वो माइनस जो आपका पिछले साल से रिलेटेड था वो, तो बाकी का जो पैसा बच गया वो इंस्टॉलमेंट है जो आपकी करंट ईयर से रिलेटेड है, जो करंट ईयर के अंदर ड्यू हुई है। ओके, सिर्फ ड्यू हुई है, ध्यान रखिएगा। सो ये हम ट्रांसफर कर देते हैं हायर परचेज स्टॉक अकाउंट के अंदर। इसको स्टॉक अकाउंट क्यों लिखते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई क्यों है, क्योंकि आपने ऑब्वियसली गुड सेल करे हैं तो वो स्टॉक से ही रिलेटेड है, ठीक है। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में हम इस चीज को ट्रांसफर कर देते हैं। अब जब हम हायर परचेज स्टॉक अकाउंट के अंदर जाते हैं तो इसका भी एक ओपनिंग बैलेंस होता है और इसका भी एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है स्टॉक आउट विद कस्टमर, यानी आपकी इंस्टॉलमेंट जो ड्यू नहीं हुई थी, ठीक है। सो बेसिकली हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में वो स्टॉक आता है जो कस्टमर के पास है लेकिन जिसके अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट्स ड्यू अभी तक नहीं हुई है। सो सेम आपका हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, स्टॉक भी आपका जैसे एसेट होती है तो उसी रूल से बनता है। ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट साइड पे शो करते हो स्टॉक आउट विद कस्टमर का, क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ शो करते हो क्रेडिट साइड पे स्टॉक आउट विद कस्टमर एट द एंड। हायर परचेज डेटर अकाउंट से जो आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया है वो आपका क्रेडिट साइड के ऊपर चला जाता है। इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल के आती है वो होती है आपकी गुड्स सोल्ड। अब इस अकाउंट का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक आउट लिखा हमने, क्लोजिंग स्टॉक आउट लिखा हमने, हायर परचेज डेटर का हमने लिख दिया, गुड्स सोल्ड आ गया हमारा। गुड्स सोल्ड कैसे आया इस चीज से, तो ध्यान देखिए, आप वेंडर हो, आपने गुड्स सेल करे हायर परचेज के ऊपर, अब इसमें आपको इंस्टॉलमेंट रिसीव होनी है,
दो सिचुएशंस होती हैं किसी भी इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट ड्यू यानी उसको देने की लाइबिलिटी अराइज हुई है, एंड इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू। ओके, ये टोटल होता है आपका जो भी आपका प्राइस है जिसपे आपने गुड्स को सेल करा है, टोटल सभी गुड्स का। ठीक है, सो एक तरह से मैं कह सकती हूँ आपने टोटल जितने गुड्स सेल करे हैं वो इनके बराबर होंगे, इंस्टॉलमेंट ड्यू और नोट ड्यू के, चाहे ड्यू हुई है चाहे ड्यू नहीं हुई है, पूरा पैसा आपका उसी हायर परचेज प्राइस का है। तो अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, ये 13,000 रुपये के आपने गुड्स बेचे थे, इसमें से 12,000 की इंस्टॉलमेंट जो थी वो ड्यू हो गई थी और 1,000 की इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई थी। टोटल गुड्स आपने कितने के सेल करे थे? 13,000 के, राइट। अभी यहां हमने क्या किया है, देखिए, ओपनिंग ऑफ स्टॉक आउट विद कस्टमर, इसका मतलब क्या है, लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट जो ड्यू नहीं हुई थी वो है ये, जिसका ओपनिंग बैलेंस हमारा इस साल हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक आउट मतलब इस साल की, करंट ईयर की जो आपने गुड सेल करे थे उसमें से कुछ इंस्टॉलमेंट जो ड्यू नहीं हुई है, हायर परचेज डेटर अकाउंट से जो बैलेंस मिलकर आया है वो क्या है, करंट ईयर का स्टॉक, स्टॉक अकाउंट में आपको स्टॉक आउट विद कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक आउट विद कस्टमर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, हायर परचेज डेटर से एक बैलेंस आया है, गुड सोल्ड इससे कैसे निकला है, देखिए ये है आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई है जो उसका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए हायर परचेज डेटर अकाउंट से हमें क्या मिला है, ये वो अमाउंट है जो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है ड्यूरिंग दी करंट ईयर। ये हमने बताया था यहाँ पे कि ये आपका पिछले साल की इंस्टॉलमेंट जो थी वो ड्यू वाली है, लेकिन मिली नहीं थी लास्ट ईयर, ड्यू हुई थी लेकिन मिली नहीं थी 31 दिसंबर वाली, जैसे मैंने आपको बताया था 1,000 रुपये वाली। ठीक है, ये जो इस साल लास्ट में ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, और ये वो है जो रिसीव हो गई है। अब जो लास्ट ईयर की ड्यू हुई थी उस टाइम रिसीव नहीं हुई थी वो अब रिसीव हुई होगी, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया, बाकी का मिल गया। भाई इस साल ड्यूरिंग द करंट ईयर के अंदर टोटल अपने जो है ना कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है, ठीक है, ये चीज कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है ध्यान रखिएगा, ये वो है जो ड्यू हुई है। अब ये जो है ना ये वो इंस्टॉलमेंट है जो लास्ट ईयर, मतलब गुड्स भले ही आपने लास्ट ईयर में बेचे हो लेकिन उस टाइम पे ड्यू नहीं हुई थी, तो ओपनिंग बैलेंस नॉट ड्यू है। ये कब ड्यू हुई होगी, करंट ईयर में आके ड्यू हुई होगी, यानी ये जो टोटल ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर के दौरान जो टोटल अमाउंट जो आपकी इंस्टॉलमेंट की ड्यू हुई है ये अब जाके ड्यू हुई होगी, यानी ये अमाउंट इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये 1,000 रुपये जो लास्ट ईयर ड्यू नहीं हुए थे वो इस साल ड्यू हुए होंगे जनवरी में ऑब्वियसली। ठीक है, सो यानी इसमें वो शामिल है। ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट जो नोट ड्यू है, ये करंट ईयर के गुड्स जो आपने सेल करे उससे रिलेटेड है। तो हमारा टोटल सेल कितनी बनी होगी, इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड नोट ड्यू दोनों का टोटल, लेकिन दोनों किस ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो, लेकिन इसके अंदर हमें मालूम है ये वाली अमाउंट भी होगी जो इस साल ड्यू हुई है, लास्ट ईयर ड्यू नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये देखना है कि हमने इस साल कितने के गुड्स सेल करे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हुई है प्लस इस साल के एंड में जितनी इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू नहीं हुई है, हालांकि ये रिलेटेड उसी गुड्स से हैं जो आपने इस साल बेचे होंगे, बस इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई है। ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट पैसा आपको अभी रिसीव होने की, सामने वाले की लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक आउट विद कस्टमर, यानी वो इंस्टॉलमेंट जो लास्ट ईयर ड्यू नहीं हुई थी लेकिन इस साल हुई होंगी जो इसमें शामिल होंगी, ये हमने माइनस कर दिया, ये लास्ट ईयर के गुड्स से रिलेटेड है। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आई है ये वो गुड्स हैं जो हमने इस साल सेल करे हैं, इसमें से कुछ अमाउंट हमारी ड्यू हो गई थी और कुछ अमाउंट हमारी ड्यू नहीं हुई है, लेकिन इतने के गुड्स हमने सेल इस साल कर दिए थे। तो गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हमारा हायर परचेज स्टॉक अकाउंट से निकल के आता है। अब ये जो गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर है ये आता है आपका हायर परचेज प्राइस पे। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है कॉस्ट ऑफ द गुड्स और दूसरा पार्ट होता है आपका लोडिंग का, या जो प्रॉफिट का पार्ट इसके अंदर शामिल किया होता है, कॉस्ट में प्रॉफिट का ऐड करके जो आप सामने वाले को बेचते हो। ठीक है, अभी इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक पार्ट तो इसका जाएगा हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में और एक पार्ट जाएगा इसका शॉप स्टॉक अकाउंट में। अब ये दोनों अकाउंट क्या है, शॉप स्टॉक अकाउंट के अंदर हम ऑब्वियसली स्टॉक शो करते हैं,
ठीक है, कितने का आपका स्टॉक है। बट इसके अंदर क्या होता है, हम जो हमारी शॉप के ऊपर, शॉप पे जो स्टॉक है, आपने वो सुना होगा ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज, वो सारा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारी शॉप पे जो स्टॉक है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हम इसके अंदर शो करते हैं। हायर परचेज एडजस्टमेंट में प्योरली हमारी जो लोडिंग का पार्ट है, जो हमने गुड्स सेल करें इसमें जो लोडिंग का पार्ट है, या हमारे पास जो भी स्टॉक था उसके अंदर जो लोडिंग का पार्ट है वो दिखाते हैं, और उससे हमें मिलता है प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि उस लोडिंग में ही प्रॉफिट होता है, बाकी कॉस्ट है, कॉस्ट और कॉस्ट, कॉस्ट पे लिया, कॉस्ट पे बेच दिया, उसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं है। जो प्राइस बढ़ा के आपने जो काम करा है ना उसी में प्रॉफिट है। तो इस लोडिंग वाले जो ये जो एडजस्टमेंट है ना, इसी से आपको प्रॉफिट मिलता है। तो शॉप स्टॉक के अंदर हम प्योरली कॉस्ट के ऊपर आपका स्टॉक दिखाते हैं कि हमारी दुकान पे कितना स्टॉक पहले से था, कितना स्टॉक हमारा आया, कितना हमारा आखिरी में बच गया, ठीक है, और कितना आपने बेचा। तो टोटल स्टॉक निकलता है यहाँ पे, लेकिन कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे आपकी सारे की सारी लोडिंग वाला पार्ट, जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो जाता है। तो शॉप स्टॉक अकाउंट में क्या करते हैं हम, शॉप स्टॉक अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसको भी हम, जो आपने गुड्स सेल करे हैं, इसको दो पार्ट में बांट कर देखिए कैसे बनता है एक बार। शॉप स्टॉक अकाउंट बनाते हैं हम, डेबिट साइड के ऊपर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब हमारी दुकान के ऊपर कितनी कॉस्ट का स्टॉक पड़ा हुआ था साल की शुरुआत में दुकान पे, ठीक है, बेचा नहीं है अभी तक आपने, ये हमारे दुकान पे कितना था। क्लोजिंग स्टॉक में डालते हैं साल के आखिर में हमारी दुकान पे कितनी कॉस्ट का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां हम ट्रांसफर करते हैं जो हमारा हायर परचेज स्टॉक अकाउंट से आएगा, यानी जो गुड्स आपने सेल कर दिए, वो भी कभी ना, वो भी आपकी दुकान पे पड़े ही थे ना, दुकान पे ही तो था वो स्टॉक पहले जो आपने बेचा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा ये भी, लोडिंग को हम अलग कर देंगे। इससे बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या आएगी, कितना आपने साल के दौरान परचेज किया था सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये वही चीज है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल एंड परचेज। साल की शुरुआत में इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा था, इतना हमने और खरीद लिया, इसमें से इतना हमने बेच दिया और इतना हमारे पास बच गया, ये आप निकालते हो शॉप स्टॉक अकाउंट से। और हर एक आइटम यहाँ पे जो होती है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर शो की जाती है। फिर हम आते हैं हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। तो जो हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक रिजर्व बनाते थे ना, वो चीज यहाँ पे अब आएगी। स्टॉक रिजर्व आपका हर जो भी आपने बेचा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो स्टॉक आप बेचते हो जिसके अगेंस्ट आपको इंस्टॉलमेंट मिलती है वो स्टॉक होता है जो हायर परचेज के ऊपर आपका शो किया जाता है, और उसमें से आप निकालते हो अपनी स्टॉक रिजर्व। सो जो ये स्टॉक आउट विद कस्टमर है, इसके अंदर से आपका स्टॉक रिजर्व निकलता है। तो ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व निकलेगा, ओपनिंग आप स्टॉक आउट दिखाते हो डेबिट साइड पे, तो इसका स्टॉक रिजर्व निकलता है क्रेडिट साइड के ऊपर शो करते हैं, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड में। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट की। ओके, जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट था, तो स्टॉक विद कस्टमर इन द बिगिनिंग जो था, स्टॉक आउट विद कस्टमर हम लिखते हैं, इसका जो आपका स्टॉक रिजर्व होता है या इसका जो आपकी लोडिंग होती है वो क्रेडिट साइड पे शो की जाती है। सेम चीज यहाँ पे भी की जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे भी जो आपका अकाउंट बना रहे हैं, हमने जो हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बनाया या डेटर अकाउंट जो बनाया उसके अंदर हम डेबिट साइड पे डालते हैं स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, तो उसकी जो लोडिंग है वो क्रेडिट साइड पे जाएगी। ऐसे ही जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट पे जाता है, तो उसकी लोडिंग आपकी डेबिट साइड के ऊपर जाएगी। साथ ही साथ जो आपने गुड सेल करे हैं, गुड सेल को आप डेबिट साइड पे शो करते हो हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में, उस सेल किए हुए गुड्स की जो लोडिंग है वो आपकी जाएगी हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और इसका नाम होगा हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, क्योंकि उसी अकाउंट के अंदर हम इसको अलग अलग करेंगे और उसी अकाउंट में से सीधा हम इसे हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। सो हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस। अगर ये बैलेंस आ रहा है आपका क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड के ऊपर, तो आपका प्रॉफिट है, अदरवाइज आपका लॉस है, ठीक है। लास्ट बच जाता है आपका स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्या है, जो भी लोडिंग आपने कैलकुलेट करी है वो जो भी स्टॉक रिजर्व का पार्ट है वो आपका सारा का सारा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट से। सो जैसे आपने ये स्टॉक रिजर्व और ये स्टॉक रिजर्व, ये दोनों अमाउंट आपकी स्टॉक रिजर्व अकाउंट के अंदर हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट से ट्रांसफर हो जाती है। सो हमने बेसिकली क्या करना है, डेटर अकाउंट जो है उससे आपको पता चलेगा कि आपका साल के दौरान कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी,
हायर परचेज स्टॉक अकाउंट से आपको पता चलता है कि आपने कितने का गुड्स जो है वो सेल करे हैं इस साल के दौरान, चाहे उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है या नहीं ड्यू हुई है, हमने सेल कितना किया है वो दिखाना है। शॉप स्टॉक अकाउंट के अंदर हम दिखाते हैं कि हमारी दुकान पे कॉस्ट प्राइस पे शुरू साल के शुरू में कितना माल था, कितना हमने खरीदा बेचने के लिए, कितना हमने बेच दिया और कितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया जो अभी तक बिका नहीं है। हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में जो आपने गुड्स सेल करे हैं उसके प्राइस में जो प्रॉफिट का प्राइस था, जो लोडिंग थी आपकी, वो यहाँ पे सारी शो होती है। साथ ही जो कस्टमर के पास जो माल पड़ा हुआ है उसमें जो स्टॉक आउट जो होता है जिसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई है उसके अंदर कितनी लोडिंग थी वो आता है यहाँ पे। स्टॉक रिजर्व अकाउंट में जो आपने स्टॉक रिजर्व बनाया है, इसमें गुड्स सोल्ड वाला नहीं आता, लेकिन जो स्टॉक रिजर्व है स्टॉक आउट विद कस्टमर के अंदर जो लोडिंग का पार्ट है वो हम यहाँ पे शो करते हैं। तो ये पांच अकाउंट हम बनाते हैं। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे जिससे ये चीजें और भी क्लियर होंगी। इलस्ट्रेशन के अंदर आपका 33 का जो इलस्ट्रेशन है वो इसने बोल रखा है कि 32nd जो आपका इलस्ट्रेशन है 32 का उसको ही आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से ना बना के अगर आप ऐसे बनाओगे तो कैसे बनेगा। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, तो ये मैं आपको नहीं करा रही। हम 34 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 32nd में आपके पास ये जो जैसे 34 में गुड्स रिपोजेस्ट वाला पॉइंट है ये नहीं है, वो आप आराम से कर लोगे अगर आपको आगे वाले आ गए तो। सो 34 का जो इलस्ट्रेशन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन को केयरफुली सबसे पहले पढ़ेंगे। ए लिमिटेड है वो आर्टिकल सप्लाई करता है हायर परचेज सिस्टम के ऊपर, उसने गुड्स सेल करे हैं एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ओवर द कॉस्ट। सो जो भी कॉस्ट थी आपकी, मान लीजिए 100% कॉस्ट थी, उसमें 25% प्रॉफिट ऐड करके 125 के ऊपर उसने उसको सेल करा है। ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है। अब आपको ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, सबसे पहले आपकी दुकान पे जो स्टॉक है उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, स्टॉक आउट ओन हायर परचेज प्राइस दे रखा है आपका, कस्टमर के पास जो स्टॉक है या इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू हम जिसको कह सकते हैं, इंस्टॉलमेंट ड्यू का ओपनिंग बैलेंस है, ओके। गुड्स रिपोजेस्ड ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया हुआ है। गुड्स रिपोजेस्ड का मतलब है आपने गुड्स को वापस ले लिया कस्टमर से, ठीक है। इससे होता क्या है, आपके डेटर सब कम हो जाएंगे, क्योंकि डेटर कम डेटर बनेंगे कब, जब आपने उनको हायर परचेज पे गुड्स सेल कराए इंस्टॉलमेंट में, उनको पेमेंट करनी है तो वो आपके डेटर बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने उनसे माल ही वापस ले लिया तो सीधी सी बात है वो डेटर भी खत्म हो गए, तो एक तरह से 300 रुपए के डेटर आपके खत्म हो गए। और जो 120 रुपए है ये इसकी कॉस्ट है। इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो आपका एडजस्टमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं तो इसकी जो लोडिंग है इन गुड्स की, वो लोडिंग हम एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे शो करेंगे। इंस्टॉलमेंट्स रियलाइज ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया हुआ है। सो रियलाइज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स रियलाइज, मतलब वो पैसा जो आपको मिल गया है, वो इंस्टॉलमेंट जो रियलाइज हो गई मतलब पैसा आपको मिला, ये आपका कैश रिसीव्ड है। स्टॉक आउट का आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और शॉप इन स्टॉक इन शॉप का दिया हुआ है। सिंपल, हमें सिर्फ अब अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के बनाओ, चाहे आप स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से बनाओ। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं दे रखा कुछ भी तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें बता रखा है अभी हमें इस ये अकाउंट बनाने हैं, तो हम फिर प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हायर परचेज डेटर अकाउंट से। सो हायर परचेज डेटर अकाउंट हम बनाते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर हमारी ड्यू हुई है। ओके, स्टार्टिंग हमारी ओपनिंग बैलेंस से होती है, तो ओपनिंग April 1st है हमारा। स्टार्टिंग हम करते हैं आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू के बैलेंस से, 1800 रुपए का दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। सो टू बैलेंस BD, लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट ड्यू थी जो रिसीव नहीं हुई आपको, इस साल रिसीव हुई होगी। देन उसके बाद हम जाते हैं सीधा लास्ट ईयर के एंड में 31st मार्च को सबसे पहले आपको पैसा मिला है, ये भी उसके अंदर शामिल है बाई बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट रियलाइज हुई है 39,000 की, आपको 39,000 रुपये मिले हैं, डाल दिए हमने। देन उसके बाद 31st मार्च, आप देखिए ये डेटर थे आपके पिछले साल के जिनसे आपको पैसा नहीं मिला, इस साल मिल गया। क्लोजिंग डेटर हम डाल देंगे बाई बैलेंस CD, यानी इंस्टॉलमेंट जो आपकी ड्यू हो रही है लास्ट की लेकिन रिसीव नहीं हुई है अभी तक, 3,000 रुपये की, ठीक है। पे स्टिल पेइंग मतलब अभी तक पे नहीं किया है उसने, तो 3,000 ये आपका डेटर है। रिपोजेस्ट जो गुड्स किए गए हैं उनसे आपका डेटर कम हो जाते हैं, तो ये जो 300 है इनको हम यहाँ पे डाल देंगे बाई गुड्स रिपोजेस्ट। डेटर अकाउंट
रूल आपको पता होगा इसका, डेटर कम होते हैं तो हम क्रेडिट साइड पे डालते हैं वो अमाउंट, बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे। सो 300 रुपये यहाँ हो गए, इससे हमारे डेटर कम हो गए हैं। इसका जो बैलेंसिंग फिगर हमारी आएगी 2019 31 मार्च को, वो आएगी इंस्टॉलमेंट जो आपकी ड्यूरिंग द ईयर ड्यू हुई है, ठीक है। इसे हम ट्रांसफर करते हैं हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में। सो आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 42,300। इसमें से आप 1,800 रुपये माइनस कर दो तो 23 में से 1,800 चले जाएंगे 500, ये हो जाएगा आपका 40,500। तो 40,500 रुपये की इंस्टॉलमेंट साल के दौरान ड्यू हुई है, जिसमें से कुछ इंस्टॉलमेंट लास्ट ईयर की थी जो ड्यू नहीं हुई थी, जो इस साल ड्यू हुई है। तो इस साल हमने गुड्स कितने के बेचे होंगे वो हमें निकालने हैं। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बना लेंगे हम, जो गुड्स आपने बेचे हैं उसी की इंस्टॉलमेंट या तो ड्यू होगी या नहीं होगी, ठीक है। सो साल के शुरुआत का बैलेंस डालते हैं सबसे पहले, तो अप्रैल 1st स्टॉक आउट विद कस्टमर है 20,000 रुपये का। सो टू बैलेंस BD 20,000, ठीक है। हायर परचेज डेटर अकाउंट से जो हमने ट्रांसफर किया है आखिरी में वो डाल देंगे। सो बाई हायर परचेज डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, काफ़ी सारे डेटर होते हैं। कितना ट्रांसफर किया था, 40,500, ये ट्रांसफर हो गया। क्लोजिंग बैलेंस डल जाएगा यहाँ पे 31 मार्च को, CD 16,000 का, ठीक है, ओके। इससे निकल के क्या आएगा, गुड्स सोल्ड। तो यहाँ हम डाल देंगे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस। अब देखिए, अगर ये नहीं होती ये अमाउंट, यानी वो इंस्टॉलमेंट जो लास्ट ईयर में ड्यू नहीं हुई थी, अगर ये नहीं होती तो इन दोनों का टोटल वो होता जो हमने गुड्स इस साल सेल करे हैं। क्योंकि जो भी गुड्स आपने सेल करे हैं उसकी अमाउंट में से कुछ तो ड्यू हो गई होगी, कुछ नहीं ड्यू हुई होगी, ड्यू हो गई होगी मतलब जिसको देने की डेट आ गई होगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट एक महीने में या एक साल में जैसे भी आप ईयर वाइज या मंथ वाइज जैसे भी करते हो, नो ड्यू का मतलब अभी तक डेट आई नहीं है, पर ऑब्वियसली इन दोनों का टोटल आपका सेल का प्राइस हो, सेल का टोटल वैल्यू होता है, ठीक है। जो आपकी लास्ट ईयर नोट ड्यू थी और शुरुआत साल की शुरुआत में भी ऑब्वियसली नोट ड्यू आएगी, वो साल के दौरान ड्यू हुई होगी, यानी साल के दौरान जो आपका ड्यू हुई है इंस्टॉलमेंट इसमें वो शामिल होगी, ठीक है। सो ये जो इंस्टॉलमेंट जो इस साल ड्यू हुई है हुई होगी, ये पिछले साल जो आपने गुड सेल करे थे ना उससे रिलेटेड है। हम इस साल के अकाउंट बना रहे हैं, हमें देखना है इस साल हमने कितने गुड सेल करे हैं, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा कि इस साल हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है और कितनी नोट ड्यू हुई है, जिसमें टोटल मिला के हमारा बन जाएगा सेल की वैल्यू। गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज आ जाएगा, बट यहाँ पे एक चीज है, यहीं की यहीं हमें इसको अगले जो दो अकाउंट हैं उनके अंदर बांट देना है। सबसे पहला है शॉप स्टॉक, जिसके अंदर जाएगी कॉस्ट, और दूसरा है हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसके अंदर जाएगी प्रॉफिट वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार टोटल ही निकाल लो कितना बैलेंस आता है। इन दोनों को अगर मैं टोटल कर देती हूँ तो ये आएगा मेरा 56,500 रुपीज़। 56,500 रुपीज़ में से 20,000 अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरा टोटल ये बनेगा 36,500 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल 36,500 रुपीज़ के गुड्स हमने इस साल बेचे हैं, जिसमें से कुछ अमाउंट ड्यू हो चुकी है, कुछ अमाउंट आपकी ड्यू नहीं हुई है, ओके। अब इसमें से कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट कितना है ये हमें निकालना है। भाई जो गुड्स आपने बेचे हैं हायर परचेज प्राइस के ऊपर उसकी लागत कितनी थी और कितना सेलर ने उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करा, ये हमें निकालना है। निकलेगा कैसे, शुरुआत में मैंने आपको बताया था सेल जो किया गया है वो 25% ओवर द कॉस्ट किया गया है, यानी अगर 100% कॉस्ट है उसका 25% प्रॉफिट उसमें ऐड करके 125 के ऊपर सेल किया गया है, यानी ये जो 36,500 रुपीज़ है ये 125 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसकी वैल्यू है। हम इसमें से या तो कॉस्ट की वैल्यू या प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है।
आप इसका करोगे डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा आपका 29,200, यानी 36,500 में आपने जो गुड्स सेल करे हैं उनकी जो लागत है, कोस्ट है, वो है 29,200। तो जो बाकी का है वो सेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन 25% इसमें ऐड किया है, ठीक है। अभी आप देखो 100% कोस्ट थी, इसका 25% प्रॉफिट इसमें ऐड करा गया, 125% सेल वैल्यू इसके इक्वल है। 29,200 कोस्ट है, इसका आप 25% निकाल लो, 7,300 आएगा आपका। दोनों का टोटल कितना हो गया, 36,500, यानी 36,500 125 की वैल्यू है। ओके, ऑल राइट, सो हमने बांट दिया, गुड सोल्ड हमारा निकल गया, इस साल हमने टोटल 36,500 रुपए में गुड सेल करे हैं, जिसकी लागत जो थी हमारी एज ए वेंडर बोल रही हूँ मैं, वो हमारी आई थी 29,200 की, यानी मैंने जो खरीदे थे जब, वो 29,200 में मेरे पड़े थे और उसमें मैंने 7,300 का अपना प्रॉफिट ऐड करा और उसको मैंने आगे सेल कर दिया। ये चीज़ अब हमारी निकल गई। अब हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को शॉप स्टॉक अकाउंट और हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट अकाउंट से तो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है और शॉप स्टॉक में हमें परचेज दिखने वाले कि जो भी मैंने बेचे हैं इसमें से कितने तो मेरे पास पहले से थे, कितने मैंने परचेज करे थे और कितना मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, वो सब इंफॉर्मेशन ऑन कोस्ट हमें पता चलेगी। तो हम बनाएंगे शॉप स्टॉक अकाउंट, इससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि लागत जितने में खरीदा उतने में ही दिखाओगे आप, उतने में ही बेचे हुए पे प्रॉफिट तो होता नहीं है, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली बात है एडजस्टमेंट में है। सो इसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे सबसे पहले हम, April 1st, 2018, स्टॉक एट शॉप 5,000 का मेरे पास मेरी दुकान में ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ था, लास्ट ईयर का बैलेंस था, इस साल ओपनिंग 5,000, ठीक है। 2019 आ गया, 31st मार्च क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे, अभी भी मेरी दुकान पे कुछ स्टॉक पड़ा है जो बिका नहीं है, कितने का है वो स्टॉक, 10,000 रुपये का डाल दिया। कितना मैंने साल के दौरान बेच दिया था उसकी लागत हम डाल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा बाई हाई हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, जिस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है उसी अकाउंट का नाम डालेंगे, 29,200 रुपये। ओके, दोनों का टोटल कर दिया, 39,200 आ गया। बाकी का बैलेंस क्या है, परचेज, जो आपने साल के दौरान परचेज भी किया होगा, तो टू परचेज अकाउंट, 5,000 का पहले से ही था, आपने 34,200 का और खरीद लिया जिसमें से 29,200 का तो आपका बिक गया लेकिन 10,000 का नहीं बिक पाया, वो अभी भी आपकी शॉप में पड़ा है, ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और नेक्स्ट ईयर आप इसमें से सेल कर दोगे। ये तो हो गया आपका शॉप स्टॉक अकाउंट। अब बारी आती है आपके एडजस्टमेंट अकाउंट की, सो एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं, यहां से हमें प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट पता चलेगी। तो जिस जिस चीज के अंदर एडजस्टमेंट होती है वो चीज हम यहां पे डाल देंगे। सबसे पहले ये आपका बनेगा पूरा का पूरा क्लोजिंग, उसमें मतलब साल के एंड में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जो आपके पास आएगा, मतलब जो स्टॉक आउट विद कस्टमर था आपका शुरुआत का, जिस जो ओपनिंग बैलेंस जो था उसका उसका स्टॉक रिजर्व भी हम ओपनिंग में डालेंगे। सो कहाँ है आपका, ये रहा स्टॉक आउट विद कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस था 20,000, इसका कितना लोडिंग था वो निकालना पड़ेगा। तो 20,000 ये टोटल की वैल्यू है, मतलब विद प्रॉफिट 125, हम इसकी लोडिंग निकाल लेंगे, 25% आपका प्रॉफिट था, 25 की वैल्यू निकाल लो। सो ये आ जाएगा आपका, यहां हम डाल देंगे April 1st बाई स्टॉक रिजर्व अकाउंट, उस अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करने वाले हैं। ये आप सोल्व करोगे आ जाएगा 4,000, ठीक है। अब हम यहां डालेंगे 31st मार्च, मतलब जो क्लोजिंग का बैलेंस था आपके कस्टमर के पास, उसमें जो स्टॉक रिजर्व का बैलेंस है वो निकालेंगे हम एडजस्टमेंट या लोडिंग। सो जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था
16,000 का, तो 16,000 की लोडिंग निकालेंगे हम। ये जो 16,000 था, 125 की वैल्यू थी, 25 की निकाल देंगे, ये आ जाएगी आपकी 3200 रुपये। ठीक है, और किस चीज़ की लोडिंग निकालनी है? जो गुड्स आपने सेल करे हैं, तो 36,500 के टोटल गुड्स सेल करे थे, इसमें से यहाँ हमने निकाल ही लिया था हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए 7300, तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 2019 31 मार्च बाई हायर परचेज, स्टॉक अकाउंट से आया है ये, तो उसका ही नाम डालेंगे 7300। ठीक है, और एक चीज़ में और लोडिंग निकलेगी आपकी, जो हमने गुड्स को रीपोजेस किया था, 300 तो उसका हायर परचेज का प्राइस था, 120 उसकी कॉस्ट थी, 300 माइनस 120 ये हो जाएगा आपका 180, तो ये आ जाएगा यहाँ पे गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट 180। ठीक है, अब जो आपका बैलेंस बच गया वो चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस साइड का आप करोगे ये हो जाएगा 11,300, इसमें से ये आप माइनस करोगे ये आ जाएगा आपका 7920 रुपीस, ये निकल गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट निकल गया, सारा निकल गया, और कोई अकाउंट बनाने के लिए हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में तो देख लेते हैं। ओके, बस इतना ही बनाना था एडजस्टमेंट। अगर स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बनाना होता तो उसमें आपको क्या करना था, इन अमाउंट्स को वहां पे ट्रांसफर करना था, ये चली जाती क्रेडिट साइड पे, ये चली जाती डेबिट साइड पे, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन वो हमें बनाना नहीं है तो हम उसको नहीं बनाएंगे फिलहाल। इस तरीके से आपको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर प्रॉफिट या लॉस अकाउंट जो है, प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस आपको निकालना है। अब इस इलस्ट्रेशन में तो हमारे पास सारी की सारी आइटम्स जो थी ना, सारी फिगर थी हमारे पास। ठीक है, क्या हो कि अगर कोई फिगर मिसिंग है तो उसको कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि जब आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उसके अंदर तो हम क्या करते थे, हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट की मदद से निकाल लेते थे कि कौन सी आइटम मिसिंग है। ठीक है, अब यहाँ कैसे निकलेगी, तो आप ध्यान रखिएगा अकाउंट्स हम यही बनाएंगे, मिसिंग फिगर भी आपकी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, कैसे अभी देखना। सो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको अच्छा इसमें हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, दोनों से ही कर देंगे हम। ग्रोस प्रॉफिट आपका 25% ओन हायर परचेज प्राइस, अब ये ध्यान रखना ओन हायर परचेज, तो हम इजी वे में क्या करेंगे, मान लीजिए हायर परचेज प्राइस है 100, इसका 25% है प्रॉफिट, इसका 25% कितना हो जाएगा 25, तो कॉस्ट कितनी रह गई 100 माइनस 25 यानी 75। ठीक है, सो जब हमें कॉस्ट निकालनी है तो 100 डिवाइड करके 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉफिट निकालना है तो 100 से डिवाइड करके 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें देख क्या क्या रखा है, स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज दे रखा है, ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस है, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू दे रखी है, ये चीज मिसिंग है हमारे पास, स्टॉक ऑन हैंड एट शॉप, ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे देखो आप, अगर आपको देखो परचेजेस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है ये जाता कहाँ है, ये आपके स्टॉक अकाउंट में जाता है, और उससे आपको क्या पता चलता है, उससे हमें परचेजेस मिलती है। जब परचेजेस दी हुई है तो बाकी कौन सा बैलेंस मिलेगा, जो आपका मिसिंग है। ठीक है, तो मिसिंग बैलेंस ऐसे ही निकलेगा, बाकी जो भी आइटम्स आपको दे रखी हैं, फिगर दे रखी है, वो डालो, मिसिंग आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हायर परचेज डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, और इसमें ओपनिंग डालेंगे हम 2000, कब का है ये ओपनिंग, April 1st। ठीक है, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग आपका दे रखा है यहाँ पे 600 रुपीज का। चलिए क्लोजिंग भी डाल देते हैं फिर हम 31 मार्च। सो इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू का क्लोजिंग बैलेंस है आपका 1000 रुपीज का। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको कैश रिसीव हुआ है वो आएगा, सो बाई बैंक अकाउंट, डेटर आपके कम हो गए, कैश आपको मिल गया तो
कैश रिसीव्ड है 16,000। ओके, और कुछ है नहीं, रिपोजेस हमने किया नहीं है, सो ये तो हो जाएगा 17,000। और बाकी का बैलेंस जो आपका आ जाएगा 31 मार्च, ये चला जाएगा हायर परचेज स्टॉक अकाउंट पे। ये आया है आपका साल के दौरान जितनी अमाउंट आपकी इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हुई है, ठीक है। तो इसका आप बैलेंस निकालो, ये आ जाएगा आपका 16,400 रुपीज़। ये आपकी ड्यू हुई है ड्यूरिंग द ईयर। इसके बेसिस पे हमें निकालना है हायर परचेज, बनाना है हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, जिसमें हमें पता चलेगा कितने का गुड्स हमने सेल किया था ड्यूरिंग द ईयर। सो लास्ट ईयर के गुड्स जो सेल करे थे, जिसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई थी, जो इस साल ड्यू हुई होगी, जो इसमें शामिल होगी, उसको हटा के बाकी का सारा अपना जो हमने इस साल सेल करा है वो होगा। सो अप्रैल 1 में हम डालेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस। ओके, लास्ट ईयर जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई थी, जो पिछले साल के गुड्स आपने सेल करे थे उनसे रिलेटेड है, वो है 8,000। इस साल के जो स्टॉक आउट का आपका क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल जो आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई है, वो इंस्टॉलमेंट जो इस साल आपने गुड्स बेचे हैं उनकी इंस्टॉलमेंट है, वो कितनी है 9,200। ड्यूरिंग द ईयर आपकी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी, जिसमें से लास्ट ईयर जो ड्यू नहीं हुई थी वो भी शामिल है, क्योंकि वो इस साल ड्यू हुई है, 16,400। टोटल जो आपकी बन गई वो हो गई 25,600। इसमें से लास्ट ईयर जो वाली जो थी, लास्ट ईयर की गुड्स से रिलेटेड, उनको हम कर देंगे माइनस, तो बाकी का हमारी बच जाएगी वो गुड्स जिसको आपने सेल किया है, जिसमें से कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है और कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई है, बट टोटल इतने के गुड्स हमने सेल करे हैं। तो ये आ जाएगा 2 गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, ठीक है, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक चला जाएगा आपका शॉप स्टॉक अकाउंट में, जिसमें जाएगी इसकी कॉस्ट, और दूसरा चला जाएगा आपका हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में, जिसमें चला जाएगा आपका प्रॉफिट का पार्ट, ठीक है। तो 25,600 में से अगर मैंने 8,000 माइनस कर दिया, बैलेंस आएगा आपका 17,600। ये है हायर परचेज प्राइस, यानी 100 की वैल्यू, ठीक है, ये ऊपर मैंने निकाला था। तो हमें इसमें से एक तो प्रॉफिट निकालना है, एक कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट निकालनी है तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्रॉफिट निकालना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, या एक निकाल के दूसरा माइनस कर दो। तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपकी 13,200, और इसका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 4,400। अभी देखिए कैसे है, ये आपको बोल रखा था 25% प्रॉफिट ऑन हायर परचेज प्राइस है। अब मैंने ऐसा क्यों किया था, हायर परचेज प्राइस को 100 माना, इसका 25% निकल गया, प्लस कॉस्ट आ गई आपकी 75, ठीक है। अभी देखो यहां निकला है कितना प्रॉफिट, 4,400, और हमारा टोटल प्राइस कितना निकला है हायर परचेज, इतना था ना, ये 4,400 किसका 25% है, 17,600 का आप 25% निकाल लो, 4,400 आएगा। ये अमाउंट हमारे पास थी नहीं, ठीक है, जब ये ही नहीं पता था तो 25% किसका निकालोगे, तो हमने इसको 100 अज्यूम कर लिया था, ठीक है। अगर कॉस्ट का 25% होता तो कॉस्ट को 100 मान लेते, ये 25 बन जाता, बाकी का इनका बैलेंस जो बचा हुआ है वो हो जाएगा 13,200। सिंपल सी चीज है। ओके, तो ये आ गई हमारे पास कितने के हमने गुड्स सेल करे हैं, टोटल अमाउंट हमारे पास ये हो गई 17,600 रुपीज की, ठीक है। अभी हम बना लेते हैं अपना शॉप स्टॉक अकाउंट, जिसमें हम कॉस्ट डालेंगे, ओपनिंग हमारे पास कितना था, क्लोजिंग कितना था, परचेज कितनी थी, सेल कितनी थी, सारी। तो ओपनिंग तो हमारे पास इसमें मिसिंग फिगर है जो हमें फिगर आउट करनी है, एक बार लिख लेते हैं, टू बैलेंस बीडी, ये तो हमें पता ही नहीं है। यहाँ आ जाएगा आपका सबसे पहले तो जितने का आपने सेल करा है, तो बाई हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, उसकी कॉस्ट डाल देंगे 13,200 रुपये। यहाँ आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस जो बचा हुआ है अभी भी आपकी दुकान के ऊपर,
बाई बैलेंस सीडी ये हो जाएगा कितना बचा हुआ है, 1400 रुपये का, ठीक है। और ये हो जाएगा परचेज 2015 31 मार्च, परचेजेस, परचेजेस भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितने की परचेज करी है आपने, 13,600। ओके, सो यानी बैलेंसिंग फिगर अब क्या निकल के आएगी, ओपनिंग। सो इनका टोटल कर लो, ये आ जाएगा आपका 14,600, इसमें से ये माइनस कर दो, बाकी का बच जाएगा आपका 1,000, यानी 1,000 रुपये के गुड्स, कॉस्ट के गुड्स आपके पास पहले से ही दुकान में मौजूद थे जो लास्ट ईयर आपके बच गए थे। अब हम निकाल लेंगे हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालते हैं अपना ओपनिंग, इसका ओपनिंग क्रेडिट साइड पे होता है, इसका स्टॉक रिजर्व, क्योंकि स्टॉक आउट विद कस्टमर का ओपनिंग डेबिट पे होता है, तो उसका जो लोडिंग है या जो प्रॉफिट का पार्ट है वो क्रेडिट पे आएगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना था आपका स्टॉक आउट ओपनिंग वाला, 8,000 था, तो ये जो 8,000 था ये पूरे 1,000 की, 100 की वैल्यू थी, सॉरी 25 की निकाल लेंगे प्रॉफिट वाला, ये आएगा आपका 2,000। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे अब स्टॉक आउट एट द एंड की लोडिंग, तो 2 स्टॉक रिजर्व, स्टॉक आउट एट द एंड था आपका 9,200 का, सो 9,200 बटे में 100 गुणा में 25, ये आ जाएगा आपका 2,300। इसके अलावा क्या निकालनी है, जो आपने गुड्स सेल करे हैं उसकी, सो बाई हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, ये तो हमने पहले से ही निकाल रखी है, ये रही 4,400 रुपये। ठीक है, इसका टोटल करेंगे हम, ये आ जाएगा 6,400, बाकी का जो बैलेंस आ गया आपका वो आएगा प्रॉफिट, तो 2 P&L अकाउंट, ये आ जाएगा 4,100। ठीक है, प्रॉफिट आ गया अपना। अब क्वेश्चन में हमें बोल रखा है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाओ, भाई दूसरे मेथड से भी निकाल लो क्या प्रॉफिट या लॉस रहेगा, तो ठीक है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे हम। ये भी रिवाइज हो जाएगा अपना कैसे बनाया था। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 2014 अप्रैल 1 स्टॉक आउट विद कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस से, तो 2 या तो ऐसे लिख लो या ऐसे कर दो, स्टॉक आउट इन द बिगिनिंग, या स्टॉक आउट विद कस्टमर इन द बिगिनिंग, आप जैसे चाहो लिख सकते हो। कितना था ये, 8,000 था ना, आठ हजार था, और क्लोजिंग था 9,200। ठीक है, ओके, सो ये था 8,000। इसका स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व साथ के साथ इसमें ही डलता है, अप्रैल 1 बाई स्टॉक रिजर्व, यहां हमने निकाला ही था ये रहा 2,000 रुपये, इसी का है ये 2,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या डलता है, ओपनिंग बैलेंस के बाद आपकी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होती हैं वो डलती हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस, तो उसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 2 इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू का ओपनिंग बैलेंस जो है आपका 600 का है, क्लोजिंग 1,000 रुपये का है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका March 31 गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अगर आपको वैसे नहीं दे रखा तो आपको गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे मिसिंग फिगर हम फाइंड आउट करते हैं उस तरीके से आपको निकालनी पड़ेगी। सो कैसे निकालोगे आप, अगर मान लीजिए हमने ये सब स्टॉक एंड डेटा सिस्टम नहीं बनाया होता तो हम कैसे निकालते कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकालना है तो गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना था, वो निकलता आपका जैसे हमने जब ये ट्रेडिंग अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट किया था तो उसमें भी जो भी मिसिंग फिगर होती है या तो मेमोरेंडम अकाउंट में आप सब कुछ पुट कर दो और मेमोरेंडम अकाउंट की मदद से जो मिसिंग फिगर है उसका बैलेंस आपको पता चल जाता है। सो यहाँ तो हमने निकाल ही रखा है, हम सीधा सीधा इसमें डाल देते हैं गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर,
कितने के गुड्स सोल्ड करे हमने, 17,600 रुपए के, ठीक है। अभी इसकी भी लोडिंग निकलेगी। सो 2015 31 मार्च, सबसे पहले तो हम सीरियल वाइज लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या डालते हैं, कैश कितना रिसीव किया है, तो बाई बैंक अकाउंट कितने का कैश रिसीव किया था हमने, 16,000 रुपये था। इसके बाद हम डालते हैं इंस्टॉलमेंट जो ओवर ड्यू हुई है उसका क्लोजिंग बैलेंस, यानी इस साल के एंड में जो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है 1,000 रुपये की थी। इसके बाद हम डालेंगे अपना जो इसकी इसकी जो लोडिंग है गुड्स सोल्ड वाले की, तो गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर क्या कैसे निकालनी है, इसको 100 से डिवाइड करके 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 4400 आ जाएगी। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट जो आपकी नोट ड्यू है यानी जो स्टॉक आउट विद कस्टमर है आपका, उसका बैलेंस क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा, उसको हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 9200 रुपये का, ठीक है। क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, ये आ जाएगा आपका 31 मार्च को प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस। आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा इसका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपका 4100 रुपीस का, उतना ही जितना कि आपका स्टॉक या डेटा सिस्टम से निकलेगा। तो आप चाहो तो दोनों में से, अगर आपको बता नहीं रखा कौन सा तरीका अपनाना है तो कोई भी अपना सकते हो, बाकी अगर आपको बता रखा है तो फिर आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा, बैलेंस आपका सेम ही आएगा। उसके बाद है वीडियो, वीडियो प्लेयर है आपका, 5,000 रुपए की कॉस्ट थी उसकी, 7,000 रुपए का आपने सेल कराया उसको, मतलब प्रॉफिट ऐड करके 1,600 रुपए आपको एडवांस में मिल गए, बाकी के पैसे की आपने 12 इंस्टॉलमेंट बांधी 450 ईच की, 5 इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई, कोई ड्यू नहीं हुई, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो थी वो बाद में नहीं दी गई इसलिए आपने इनको वापस मंगा लिया। सो बाकी की सारी की सारी आपकी जो नोट ड्यू रह गई 12 में से 5 गया 7, ये नोट ड्यू हैं लेकिन ये आपके गुड्स रीपोजेस्ड हैं, मतलब आपने वापस इनको पोजेस कर लिया क्योंकि कस्टमर आपको इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया। तो हायर परचेज का ये रूल है ना कि अगर कस्टमर एक भी इंस्टॉलमेंट पे ना कर पाए तो हायर वेंडर उनको वापस पोजेस कर सकता है, तो हमने यहाँ पे वही किया है। अब हमें दो चीज़ें बनानी है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट और जनरल ट्रेडिंग। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें जो जो चाहिए हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो हमें क्या चाहिए, कैश रिसीव्ड। तो टोटल कितना कैश रिसीव हुआ है, देखिए वॉशिंग मशीन के ऊपर आपको एडवांस जो मिल गया वो है 2500, इसके अलावा आपको 7 इंस्टॉलमेंट 500 रुपए की मिली है, तो 37,535, यानी टोटल पैसा जो आपको रिसीव हुआ है वॉशिंग मशीन पे वो हुआ है 6,000 रुपए का। दूसरी आती है रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड प्लेयर पे 1200 आपको एडवांस मिल गया, इसके अलावा आपको 11 इंस्टॉलमेंट मिली हैं 200-200 रुपए की, यानी 2200 रुपए। तो टोटल जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो हुई है 3400 रुपीज की। फिर बच गया वीडियो, वीडियो पे आपको 1600 का तो एडवांस मिला प्लस 5 इंस्टॉलमेंट 450 रुपए की आपको रिसीव हुई है, ये हो जाएगी आपकी 2250, ठीक है। टोटल अमाउंट जो आपको रिसीव हुई है वो हुई है 3850, यानी टोटल पैसा जो आपको हायर परचेज के ऊपर गुड सेल करके मिला है वो है 13,250 रुपीज़, ये टोटल कैश रिसीव्ड है। सेकंड चीज जो हमें चाहिए यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट ड्यू। ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं, क्लोजिंग ही निकलेगा सारा। इंस्टॉलमेंट ड्यू देखो, वॉशिंग मशीन के ऊपर एक इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी 500 रुपए की, एक इंस्टॉलमेंट है यानी 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट यहाँ ड्यू है। रिकॉर्ड प्लेयर के ऊपर भी एक इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है 200 रुपए की, वीडियो के ऊपर कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई है, टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू हमारे पास आ गई 700 रुपए की। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, तीसरी चीज हमें चाहिए इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू वॉशिंग मशीन की 2 है, रिकॉर्ड प्लेयर की 6 है, वीडियो की 7 है, लेकिन ये जो थे ये आपने वापस पोजेस कर लिए, तो हम जब इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू निकालेंगे तो इन दो इन सब इनकी अलग अलग निकालेंगे, जो वापस मंगा लिए इसकी अलग से एंट्री होती है तो इसको हम अलग से निकालेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमें अकाउंटिंग के अंदर आगे भी कंटिन्यू करनी है, तो वॉशिंग मशीन और रिकॉर्ड प्लेयर जिनको हमने वापस नहीं मंगाया, तो 2 इंस्टॉलमेंट इसकी
नोट ड्यू है 500 500 की, दो ही हो गई 1000, ठीक है। और रिकॉर्ड प्लेयर की है 6 इंस्टॉलमेंट 200 200 की, हो जाएंगी 1200। अभी एक चीज और, इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू का मतलब होता है स्टॉक आउट विद कस्टमर। स्टॉक आउट विद कस्टमर, आपने देखो हायर परचेज प्राइस पे सेल करा इनको, सेल प्राइस इनका कॉस्ट से ज्यादा है यानी प्रॉफिट का हिस्सा है, इनको भी हमें वैसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, क्योंकि इसके अंदर स्टॉक रिजर्व निकलेगा। तो स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए एक तो हमें इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एक इसमें स्टॉक रिजर्व का हिस्सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक रिजर्व का हिस्सा कैसे निकलता है, जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाई सेल प्राइस, जो भी सेल प्राइस है वो, और मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपकी कॉस्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो 25% ऑन कॉस्ट और ये सब चीज़ें नहीं है। तो इसको निकालने का एक तरीका ये है, इसको डिवाइड कर दो आप सेल प्राइस से। तो वॉशिंग मशीन का सेल प्राइस है टोटल 7500, मतलब ये इसमें से है, ठीक है। हम इसको कॉस्ट के हिसाब से निकाल लेंगे 6000, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट। तो ये जो 1000 रुपये के गुड्स थे इनकी कॉस्ट आ गई 800, ये है कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना होगा बाकी का जो स्टॉक रिजर्व का, 1000 माइनस 800 200, तो ये हो गया 800 और ये हो गया 200। अगर हमें ये दे रखा होता कि आपका 25% ऑन कॉस्ट है या 20% ऑन कॉस्ट है, तो क्या आप करते, 100 कॉस्ट होती प्लस 20 या 25 इज इक्वल टू 125, ये सेल होती, ठीक है। ये नहीं है तो हम सेल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ही डाल देंगे, तो डिवाइडेड बाई सेल प्राइस सेम बात है और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, तो कॉस्ट आ गई इन गुड्स की 1000, जो आपका स्टॉक इन वाले गुड्स की कॉस्ट आ गई 800 रुपये, ठीक है, टोटल की है 6000, ठीक है। सेम चीज करेंगे हम 1200 वाले के साथ, तो 1200 डिवाइडेड बाई रिकॉर्ड प्लेयर का टोटल सेल वैल्यू है 4800 और इसकी कॉस्ट है 3200, तो 4800 से डिवाइड कर देंगे, 3200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी भी आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 800 और जो स्टॉक रिजर्व का हिस्सा है वो हो जाएगा 1200 में से 800 गए 400, ठीक है। अब जो गुड्स आपने रीपोजेस करे हैं उनकी निकाल लेते हैं, वीडियो रीपोजेस करी है तो इसका भी हम देखेंगे। देखिए नोट ड्यू जो है इंस्टॉलमेंट टोटल 7 है, तो 450 की 7 के हिसाब से हो जाती है 3150। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कॉस्ट और स्टॉक रिजर्व वाले में, वही है 3150 को टोटल 7000 से डिवाइड कर देंगे और 5000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 2250 और बाकी का जो भी आ जाएगा आपका स्टॉक रिजर्व का हिस्सा। सो 3150 में से हम 2250 माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 900, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, गुड्स सोल्ड, तो गुड्स सोल्ड तो हमारे पास है ही, कितने के गुड्स सेल करें आपने, कॉस्ट हमारे पास दे ही रखी है। एक एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि सेल प्राइस लिख लो, दोनों के डिफरेंस को लोडिंग में दिखा दो, या फिर आप क्या करो सीधी सीधी जब कॉस्ट दे ही रखी है तो कॉस्ट ही ले लेंगे, कैसे अभी बताती हूँ मैं। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस किसी का है नहीं तो गुड सोल्ड से ही हमारा स्टार्ट होगा, 2018 31 मार्च टू गुड सोल्ड जो भी है, इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें जनरल ट्रेडिंग भी बनानी है तो हम इसको लिखेंगे जनरल, क्योंकि वहीं से ये ट्रांसफर हुआ है। हुआ क्या है, आपके पास टोटल जो स्टॉक था ना इनके पास इतना था, जिसमें से इन्होंने ये तो बेच दिया नॉर्मल सेल और ये बेच दिया हायर परचेज, तो ये इसी के अंदर से शामिल है, तो जनरल ट्रेडिंग अकाउंट से एंट्री करेंगे हम यहाँ। अब दो चीजें होती हैं देखो, या तो आप यहाँ पे अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट ही लिख दो, ठीक है, यहाँ आना तो कॉस्ट ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे सेल वैल्यू या हायर परचेज प्राइस लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड आपको इसकी लोडिंग दिखानी पड़ेगी, ताकि आपका बैलेंस जो बचे यहाँ पे वो कॉस्ट का ही बचे। तो जब हमें कॉस्ट दे ही रखी है तो हम सीधा सीधा कॉस्ट ही डाल देते हैं। कितनी कॉस्ट दे रखी है टोटल डालते हैं हम यहाँ हमेशा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है देखो, 6000 प्लस 3200 प्लस 5000, ये हो जाएगा आपका 14200, तो सीधा सीधा यही डाल दो, झंझट ही खत्म हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम कैश रिसीव लेते हैं हम सबसे पहले, तो बाय बैंक अकाउंट पैसा कितना रिसीव हुआ है, हमने शुरू में ही देख लिया 13250। ओके, इंस्टॉलमेंट कितनी ड्यू हुई थी हमारी,
इंस्टॉलमेंट ड्यू थी 700 रुपये की, ये डाल दिया। अब गुड्स कितने रिपोजेस करे थे आपने? ठीक है, आप अगर गुड्स रिपोजेस्ड आपने, यहाँ पे हमेशा वैसे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, तो कॉस्ट पे ही दिखा दो आप सीधा सीधा, 2250 निकाल ही लिया है हमने। ठीक है, उसके बाद हमें दिखाते हैं इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू या स्टॉक आउट विद कस्टमर। सो इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू ही कर देते हैं, ये भी हमने निकाल ली थी। ये उन गुड्स के जो अभी भी वहां पे हैं, इनकी भी कॉस्ट ही दिखा दो, या तो कॉस्ट दिखा दो, यहाँ पे कॉस्ट नहीं दिखाओगे, हायर परचेज प्राइस यानी टोटल दिखाओगे 1200, तो दूसरी साइड के ऊपर आपको स्टॉक रिजर्व दिखाना पड़ेगा। जब कॉस्ट है ही हमारे पास तो वही दिखा देते हैं, 800 और 800, 1600। अगर टोटल यहाँ 1000 और 1200 दिखाओगे 2200, तो इस साइड आपको उसका स्टॉक रिजर्व दिखाना पड़ेगा, ये जो हमने निकाल रखा है 400 और 200। ठीक है, तो 1600 ही दिखा देते हैं, बाकी का बैलेंस आपका चला जाएगा। सारी अमाउंट हम डाल चुके हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इस साल का टोटल बनेगा आपका 17800, और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट 3600 रुपये का, टोटल हो गया 17800। ये तो वो है जो आपने हायर परचेज के ऊपर जो गुड्स बेचे हैं उनकी अकाउंटिंग है। अब हम बनाएंगे जनरल ट्रेडिंग अकाउंट, जो बाकी के आपने नॉर्मल सेल जो आपने करी है, रेगुलर सेल, सॉरी रेगुलर सेल जो करी है उसका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बनेगा आपका, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, परचेज, सेल, जो नॉर्मल हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपने बनाया है साल की शुरुआत कब की दे रखी है, यहाँ पे 31 दिसंबर को आप बंद करते हो ना। ठीक है, ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे मार्च अप्रैल डाल दिया, आप इसको ठीक कर लेना, दिसंबर आएगा वहाँ पे। मार्च लिखने की आदत हो रही है क्योंकि अपना नॉर्मल अप्रैल मार्च ही चलता है, इसके अंदर आप मार्च लिखेंगे या दिसंबर डाल लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, जनवरी 1st ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 37700। ठीक है, फिर परचेज दे रखी है 130 है शायद, कितनी है परचेजेस, 150000। ठीक, अब परचेजेस तो 150000 है, लेकिन इसमें से हमने ऑर्डिनरी सेल वाला अलग करेंगे, हायर परचेज के लिए हम अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो इनमें से जितने का गुड्स आपने यहाँ बेचे हैं ना हायर परचेज सिस्टम से, वो माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ हमने कॉस्ट निकाली थी ना, जनरल ट्रेडिंग अकाउंट लिखा था हमने 14200, ये परचेज बेचने के लिए आपने 1.5 लाख का माल लिया था, लेकिन इसमें से आपने हायर परचेज सिस्टम से जो है 14200 का माल बेचा है, तो इसलिए ये माइनस करेंगे, उसकी सेल, उसकी जो प्रॉफिट है वो यहाँ शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये हमने दूसरे सिस्टम से बेचा है, तो इनका प्रॉफिट हम यहाँ अलग अकाउंट में निकाल चुके हैं, तो ये हमने इसकी कॉस्ट को माइनस कर दिया। ओके, तो रेगुलर सेल में हमने कितने का माल बेचा है, 22 सेल्स, रेगुलर सेल से हमने बेचा है ऑर्डिनरी सेल से 2,30,000। बाकी क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया, कितना बचा हुआ है, 25,800 डाल दिया यहाँ पे हमने। अच्छा, ये इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग रिटर्न गुड्स, अब ध्यान रखना रिटर्न जो गुड्स हुए हैं ये जो रिपोजेस किए, ये हायर परचेज वाले जो थे ना उसमें से रिपोजेस किए हैं, तो इसलिए उसको यहाँ से माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये गुड्स वो हैं जो ऑर्डिनरी सेल के बाद बचे हैं, ये जनरल ट्रेडिंग से रिलेटेड है। हायर परचेज में जो रिपोजेस किए थे उसकी एंट्री हमने हायर परचेज के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कर दी है। ठीक है, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। बाकी का जो बैलेंस वही हो जाएगा, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 255,800, इसमें से हम ओपनिंग स्टॉक और परचेज को माइनस कर देंगे, तो बाकी का आपका आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट आपका बनेगा 82,300। सो इस तरीके से आप, अगर आपको जनरल ट्रेडिंग, अगर आप दोनों ही काम करते हो, हायर परचेज पे भी बेचते हो और जनरल ट्रेडिंग भी करते हो, तो दोनों के अलग अलग अकाउंट कैसे बनेंगे? जो गुड्स आप हायर परचेज पे बेच रहे हो उनको आप अलग से
ट्रेडिंग अकाउंट उनका अलग बनेगा और जो जनरल पे बेचते हो उनका अलग बनेगा। परचेज में से जितने गुड्स आपने हायर परचेज पे बेचे हैं उसकी कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उनकी पूरी अकाउंटिंग हमें अलग करनी है। तो यहाँ इस वाले अकाउंट में उसका प्रॉफिट या लॉस शामिल नहीं हो सकता, तो उसको हम माइनस निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक देखेंगे अपना इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।